हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे, वेलकम बैक टू माय चैनल सर विद लव। आज मैं हनी चिली पोटैटो बनाने जा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आइए बना लेते हैं। आप चाहिए तो आलू से कट करके फ्राई करके भी बना सकते हैं। इसमें कॉर्नफ्लावर ऑयल सभी कुछ मिला हुआ है। इसको मैं ओवन में रोस्ट कर लेती हूँ। तब तक मैं सॉस तैयार कर लेती हूँ। पैन ले लिया, पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। थोड़े से अदरक और लहसुन ले लिया है, 1 हरी मिर्ची ले लिया है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 मैंने प्याज को ऐसे मोटे मोटे चॉप कर लिए हैं। इसको डाल के हल्का सा मैं ऐसे रोस्ट कर लेती हूँ। मैंने लाल और पीली शिमला मिर्च लिया है। अगर आपके पास हरी है तो आप हरी शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसको क्रंची क्रंची सा करना है। बस थोड़ा सा सौते हो जाए, ज़्यादा पका के नहीं करना है हमें, तो बस इतना ही पकाना है। अभी इसी में कुछ सॉसेस यूज़ करूँगी। 1 टीस्पून रेड चिली सॉस डाल रही हूँ, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस डाल रही हूँ, 1 टीस्पून इसी में पिज्ज़ा का सॉस डाल रही हूँ। पिज्ज़ा सॉस से भी हमारा चिली पोटैटो बहुत ही टेस्टी बनेगा, तो 1 टीस्पून में इसको डाल देती हूँ। 1 टेबल स्पून जितना टोमेटो केचप डाल रही हूँ, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। इन सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। इन्हीं सॉस की वजह से ही तो टेस्टी बन के तैयार होता है, तो ये सब ज़रूर डालिए। 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया है और उसमें पानी डाल के घोल दिया है। इससे सॉस हमारा गाढ़ा हो जाएगा। और ये देखिए, जो मैंने ओवन में ऐसे रोस्ट किया है, ऑयल में मैंने फ्राई नहीं किया है, क्योंकि इसमें ऑयल और कॉर्नफ्लावर मिला हुआ मिलता है। और साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। अभी इसको मैं नीचे ऊपर करके मिक्स कर देती हूँ। बड़े बच्चों सबको बहुत ही पसंद आएगा, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो आप लोग एक बार ज़रूर बनाइए, मज़ा आ जाएगा खा के। इसी में मैं 1 टेबल स्पून हनी डालूंगी, क्योंकि ये हनी चिली पोटैटो तो हनी तो मस्ट ही है, तो इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून हनी डाल दिया है। शहद और शहद डाल के भी इस तरीके से मैं मिक्स कर देती हूँ। अगर आपके पास वाइट वाला तिल है तो इसी में वाइट वाला तिल डाल दीजिए, देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में। थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती से डेकोरेट कर देती हूँ। अगर आपके पास स्प्रिंग ओनियन हो तो स्प्रिंग ओनियन डाल सकते हैं। हरा धनिया से इसको डेकोरेट कर दिया है। बस अभी खाने के लिए मैं सर्व कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा ये हनी चिली पोटैटो बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से बनाएंगे ना तो बच्चे लोगों को तो फेवरेट ही हो जाएगा। तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिए। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।